बड़े बड़े मंदिरों में बिना मांगे कितने दान मिलते हैं। आप पहले वीडियो को देख लीजिए। कभी सोचा है कि इन करोड़ों रुपए का भगवान आखिर करते क्या है? भगवान ना ही किसी से पैसे मांगते हैं और ना ही भगवान को किसी पैसे की जरूरत है। इन्हीं पैसों से भगवान के लिए बड़ा सा महल बन जाता है जहां भगवान रहते भी नहीं है, और यही पैसे उन नेता मंत्रियों के पास जाते हैं जिनके पास ऑलरेडी करोड़ों रुपए हैं, जिनकी लाइफ ऑलरेडी लग्जरियस है, जिनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, मर्सिडीज में घूम रहे हैं, पता नहीं कितने फिजूल खर्च कर रहे हैं इधर उधर। इन मंदिरों में आखिर इतने दान देते कौन है? कभी कभी तो जिन राज्य में ऐसे बड़े बड़े मंदिर होते हैं उन राज्य का कुल बजट भी उतना नहीं होता है जितना इन मंदिरों के रेवेन्यू होते हैं। कभी कभी तो राज्य सरकार को मंदिरों से कर्ज लेना पड़ता है अपना बजट बनाने के लिए। तो इतना पैसा दान कौन देते हैं? वही लोग देते हैं जिन्हें अपने जीवन से बहुत डर है। और इन पैसों को जरा देखिए, इस देश में जितने भी गरीब हैं इन मंदिरों के पैसों से ही इनकी जिंदगी आबाद हो जाएगी। सिर्फ पैसे वाले यहाँ दान करते हैं ऐसी बात नहीं है, गरीब से गरीब भी कर कर जाते हैं। जो दिन मजदूर है ना, वो भी दान करते हैं भय के कारण कि मेरा जीवन सुधर जाएगा, शायद मेरे जीवन में कुछ बदलाव आ जाएगा इस डर के कारण। जितना भी कमाते हैं थोड़ा हिस्सा भी देकर आते हैं। ये तो गारंटी नहीं है कि आप मंदिरों में दोगे तो आपका जीवन सुधर जाएगा, पर ये गारंटी जरूर है, एक भूखे को अगर खिलाओगे, एक बच्चा चप्पल पहनने को उनके पास पैसे नहीं है, इलाज खर्च के लिए नहीं है, पढ़ाई के लिए नहीं है, अगर आप ये दोगे ना तो आपकी ज़िंदगी जरूर सुधर जाएगी।